घर पहुंचते ही मैं दौड़ा हुआ अंदर गया। उस समय मेरी माँ अपने बेडरूम में मेरे पापा का सर अपनी गोद में रखकर उन्हें ध्यान से देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ गुड़िया मेरे पापा के पैरों पर सर रखकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने जाते ही हड़बड़ाहट में ना कुछ देखा ना सोचा, बस अपने पापा को गोद में भरकर बाहर ले जाने के लिए उठाने लगा। तभी डॉक्टर साहब वहां पहुंच गए। उन्होंने कुछ देर अपने स्टेथोस्कोप को पापा की छाती पर यहां वहां लगाकर देखा। फिर डॉक्टर ने बड़ी बेचारगी के साथ कहा, विक्रांत जी, हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो गई, आपके पापा जा चुके हैं। ये बात मेरे कलेजे पर ऐसे पड़ी जैसे किसी ने 100 किलो का पत्थर मेरे सीने पर दे मारा हो। साथ ही मेरी माँ और मेरी बहन दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं उस समय ना कुछ बोल पाया और ना ही अपनी जगह से हिल सका।